एक इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग है हमारी, देखते हैं होगी कि नहीं होगी। हेलमेट से ज्यादा तो जो डिग्गी में उसकी दिक्कत, तेरे को दो चीजें तो संभाल नहीं पा रहा, कल को तेरी शादी होगी तो कैसे संभालेगा। जैसे हालात है मुझे नहीं लगता होनी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, दिस साइड मनोज, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखो कितनी सारा मतलब बोरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। सो सारा मंडी का स्टफ है, तो मैं ऊपर आया था अभी, बाल कटे हुए हैं, तो शायद मैं अपनी पुरानी किसी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ मैंने क्यों कटवा दिए हैं, नहीं किया होगा। तो चप्पलें आ चुकी हैं अपनी, फाइनली मिल गई हैं। तो क्या सीन है भाई, बाल मेरा ऐसा सीन है कि मैं 6 महीने तो बड़े कर रखता हूँ बाल, ठीक है, जितने बड़े हो जाएंगे ठीक है, बीच में थोड़े बहुत कटते रहेंगे, उसके बाद मैं कटवा के छोटे कर देता हूँ। तो अभी एकदम छोटे हो रखे हैं अपने बाल। सो अभी हम निकलना है, अमित आएगा। सो एक इंटरनेशनल ट्रिप की प्लानिंग है हमारी, देखते हैं होगी कि नहीं होगी। वैसे तो हो ही जाएगी, सारी तैयारी हो रखी है, हमें करेंसी एक्सचेंज करके आनी है अपनी, तो करेंसी एक्सचेंज करने चलेंगे अभी। लॉक कर देते हैं इसे, लेट्स गो। हवा है, किसने निकाली, वैसे निकली है, बाल बुल तो लीक नहीं है इसकी, देखो थोड़ी देर देखते हैं, खड़ी रहती है, पता चल जाएगा हवा निकल रही है कि नहीं निकल रही है। सही है ना, मतलब किसी ने हवा निकाल दी होगी, मुझे लगा पंचर होगी खड़ी खड़ी, धूप की वजह से नहीं होता। पंचर ही है भाई, इसमें हवा निकल रही है, सीधी करियो गाड़ी एक बार, हवा निकल रही है, इसका पंचर देख लेंगे। उसने हवा भरी है, एक बार पेट्रोल पंप पे देखे क्या कर रहे हैं, हवा हुआ तो नहीं है ना खराब, पीछे वाले में देख लेना भैया, पीछे वाले में हवा कम है, मतलब कुछ हो रही थी, पंचर नहीं है, हवा कम है, मैं ही चला रहा हूँ भाई, मैं चला रहा हूँ सर, एक्टिवा मैं चला रहा हूँ, ये पीछे बैठा है, मैं खाली वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, धन्यवाद भैया, सब कुछ पहले रिकॉर्डिंग होती है। सो गाइस, वी आर फाइनली रीच रॉयल एनफील्ड। ट्रिप से आने के बाद बाइक लेनी है मैंने, नहीं अमित ने, आप देखते कौन सी ले गए। पहले इसका मन था मेटियोर लेने का, पीछे खड़े हुए पीछे रॉयल 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 ले ले भाई, अपने पास तो दो पहले ही यहाँ पे नहीं है, लेकिन वापस लेगा उसे, डिमांड आप बढ़ गई होगी उसकी बंद होने के बाद। हाँ भाई, ये रहा तेरा कलर, ग्रीन वाइट और ये ग्रे, सो देख ले भाई, नहीं ग्रे ठीक है, वाइट यार गंदी हो जाएगी ना, तो ऐसी है, ये भी अच्छी है वैसे, इसका पेंट जाएगा तो मिलेगा, पेंट शाइनी है ना इसका, डस्ट पेंट है कौन सा ये, हाँ ये अंटर लगी हुई है, ये मेटियोर लगी हुई है, और फिर ये हिमालयन लगी हुई है, हिमालयन लगी है बट इसका रेट क्या चीज, मेरे को हाई हील्स लगेंगी, चलिए मुझे हाई हील्स लगेंगी, नहीं नहीं ये तेरे को लग रही है, इसका स्टैंड देख कितना ऊंचा है अभी, चलो फाइनल कर लेना ग्रे वाली, बस ठीक है अब चलते अपना काम करने के लिए। थोड़ी देर के लिए मेरी सांसें रुक गई थी, नहीं यार फिर अच्छा 5000 कर रहा हूं मैं दोबारा, तो बाद में अगर मेरी सांसें रुक गई थी, ग्रैंड विटारा की वजह से एक्टिवा नहीं दिख रही थी, मैंने कहा लगा दूसरी एक्टिवा भी गई, तो हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, ओदा मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों नाल डील करना होता है, बिल्कुल सही है। एक तो इतने पैसे, इतनी मोटी गड्डी देके आया और उसने शगुन वाला कार्ड पकड़ा दिया, एक सर इसमें रख लो, झूठ नहीं भरा, देखो ये शगुन वाला कार्ड पकड़ा दिया, बस एक अंदर का भी दिखाते हैं, मार दिखाओ, अलग अलग दिखाते हैं। So guys, ये सारे पैसे इसके हैं, ये तो लग नहीं रहा, इसको कुछ पैसे देखो गाइस, 500 के नोट, चार नोट, इसमें तो लग ही नहीं रहा पैसे, ये चलो जो ऑनलाइन करे फिर भी लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, ये ऑनलाइन है, ये कैश दी थी इतनी मोटी गड्डी, बताओ क्या निकला, कुछ नहीं निकला, पांच पांच के नोट दे दिए उन्होंने, शेक वाले पांच पांच के नोट, कौन कौन शेक कौन है, मुझे शेक गाय पता नहीं, दाढ़ी मूछ, ओ वो है दुबई का किंग, किंग है, चलो फिर चल गए, शूज लेके आते हैं भाई, चेन वाले। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो पीपल वी हैव रीच्ड बाइस, और मेरा मूड बहुत
मूड बहुत खराब था पता है, पेमेंट की वजह से पेमेंट नहीं आई। ले लेते हैं भाई, जूते ही ले लेते हैं यहाँ से। एक बार निकाल के देखो क्वालिटी कैसे है सिस्टम। वैसे भी क्वालिटी ठीक है। सो भाई इसने मेरे को जूतों पे डिस्काउंट नहीं दिलाया, लेकिन मैंने इसको बैग पे जरूर डिस्काउंट दिलाया। भाई जूते ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। कहाँ डिस्काउंटेड थे भाई? 900 रुपए के पड़े थे मुझे। अब इसने लेनी थी बेल्ट, तो बेल्ट के लिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ। भूल गया आज जहाँ बैग लिया वहाँ देख लिया, हेलमेट भूल गया। हाँ देखा। तो गाइस फाइनली हमारा हेलमेट मिल गया है। गुम्बे तो तुमने किया मेरे भाई, हेलमेट से ज्यादा तो जो डिग्गी में उसकी कुछ नहीं बोला। चलो कितने छेद करवाएगा तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ये सामने आपके ये कैप्स का भी ले लो भाई, वहाँ पे काम आएगी। बोलो अली। सो गाइस फाइनली कैप ले ली गई है, बहुत दिनों से मिस कर रहा था मैं कैप को, लेकिन वो वाली कैप पहन नहीं सकता जो घर पे पड़ी हुई है। इसके अंदर जूते बेल्ट और ये रहा चश्मा। हां चश्मा और बैग। एंड एक और खास चीज है वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे। ले तू दिखा चुका है, तू दिखा चुका है वो बात। चल आपको पता है इसमें मुझे पता है। भूला भाई निकलते हैं यहाँ से। कौन जाएगा यहाँ से? चलते हैं इतना घुमा के, चलिए यहीं से चलते हैं। अब फिर से हेलमेट भूलाया भाई, इतनी देर में बंदा घर हो। तेरा ध्यान कहाँ रहता भाई? मैं इसको संभाल रहा था यार कसम से। तेरे दो चीजें तो संभाल नहीं पा रहा है, कल को तेरी शादी होगी तो कैसे संभालेगा? जैसे हालात है मुझे नहीं लगता होनी है। हाँ वो चीजें तो देख के याद आती है मेरे पास भी था। अच्छा कभी ये तो नहीं बोला भैया आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तब तो बोलते डॉलर भी दे दो भैया। टेक्निकली देखो खुद तो जिम जा नहीं रहा, हमारा कार्डियो करवा रहा तू। अगर हमारे जिस हिसाब से मैक्सिमम मैं 2.5 से शुरू किया था। अच्छा 2 हफ्ते में 7.5 किलो पे पहुंच गया। ठीक है तो उससे ज्यादा क्या होगा मैं उठेगा भी नहीं। वैसे तो तू फिर 25 को पहुंच जाएगा तो नहीं होगा, तो एमेच्योर खेल लेगा। चल तक गदरिया तक चल के है ये रख रहे ने तू। वही है रेडी में लेके जा रहे हैं, जिनके घर में नहीं आ रहे बच्चे बुच्चे आए हैं छोटे छोटे डब्बों में लेके जा रहे हैं। भीड़ तो नहीं है इतनी, तो अंदर को रख देता हूँ। सो पानी नहीं आ रहा अभी घर में, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। 2 बाल्टी में लेके आया था, अभी और लेके आता हूँ। सो 1 बाल्टी है, 1 बाल्टी मम्मी भर रही है, पहले जाके उन्होंने बाल्टी भर ली। दिक्कत हो रही थी अभी पानी की बहुत ज़्यादा। सो भाई सोने लगे थे तब तक टैंकर आ गया, सारे टैंकरों में पानी भर, टैंकर से पानी भर। ओ हो हो जाओ चलो पकड़ो रखा है। हैं पीछे लगा दो आ जाओ। माइक पर माइक